एक काम की सलाह है कि यदि आप अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले के एग्जामिनेशन को लाइटली ले रहे हैं, जैसे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो गई है या सेंटअप एग्जामिनेशन हो गया क्लास 10th के लिए या क्लास 12th के लिए, आईसीएसई एंड आईएसई दोनों के लिए, तो यह समझ लीजिए कि काफी मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि देखा गया है 2022 में कि कुछ स्टूडेंट के मार्क्स में वेरिएशन हुए, और जब मार्क्स में वेरिएशन या कंफ्यूजन होते हैं बोर्ड स्टूडेंट के लिए, तो उनके स्कूली लेवल के एग्जामिनेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, और उनसे भी यानी स्कूल से भी पड़ताल की जाती है कि आखिर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस रहे हैं कंसिस्टेंट, क्योंकि तो बोर्ड एग्जामिनेशन में बाय चांस, बाय हुक और बाय क्रूक कुछ भी हो सकते हैं, और जब रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहे होंगे तो उस समय कोई बड़े परफॉर्मेंस वाइज डिफरेंस होने के कंडीशन में जो भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एसयूपीडब्ल्यू के मार्क्स हैं इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि 5 सब्जेक्ट के अगर आप 20-20 मार्क्स भी ले लें तो 100 मार्क्स होते हैं, एक स्टूडेंट के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में इतने मार्क्स काफी मैटर करते हैं। तो स्टूडेंट अगर क्लेम करेंगे कि उनके मार्क्स प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या एसयूपीडब्ल्यू में कम आए, तो उस कंडीशन में उनके स्कूली लेवल के परफॉर्मेंस को, एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, और यह सिर्फ न देखा जाना बल्कि उसको अच्छी तरह से पड़ताल भी किया जाएगा कि स्टूडेंट के जो रिजल्ट दिए गए उसमें क्या थे, क्योंकि 2020, 2021 और अब 2022 में ये बातें रिपीट हुई हैं कई बार, तो 2023 ऑनवर्ड भी इस तरह की बातें करे जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्लेम करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद कि रिटेन में अच्छे मार्क्स आए हैं, स्कूल ने उनको अच्छे मार्क्स नहीं दिए, यानी कि उन्हें प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, या फिर कई बार कहते हैं कि स्टूडेंट के हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस आते रहे लेकिन सब्जेक्ट में वेरिएशन हो गया ये रिटेन बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो वहां पर कुछ असिस्टेंस मिलने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन स्कूलों के रिकमेंडेशन पर अगर स्कूल कहे कि स्टूडेंट बेहतर परफॉर्मेंस देता रहा है स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन में, तो काफी बेनिफिट भी मिलता है या मिल सकता है या मिलेगा। इसलिए आप अपने सेंटअप वाले एग्जामिनेशन या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन या इससे पहले के एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के नंबर को नॉक नॉक कर रहे हैं कि वे बढ़ने वाले हैं या वे बढ़ेंगे, अगर कंडीशन आ गए, कुछ ऊपर नीचे कंडीशन तो कभी भी हो सकते हैं, इसलिए भी याद रखना है कि आपके किस तरह के अप्रोच का क्या बेनिफिट मिलेगा, इसलिए आपको अपने इन एग्जामिनेशन को सीरियसली लेना है, और जितना ज्यादा बेहतर हो सके उसी को परफॉर्मेंस वाइज रिवाइज करना है, अपडेट करना है, और इस चैनल पर बने रहना है, मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट और काम की बातें आपको पहले किसी ने नहीं बताई।